আবুল হোসেন ইয়েমেনের দ্বীপ খুশরো যিনি যিনি আমির খুশরো তেহবিকে নামে জানা যেত। आप में से कुछ लोगों ने ये नाम शायद सुना होगा। 14वीं सदी के ये एक महान सूफी शायर और संगीतकार थे जो कव्वाली, गजल, ख्याल और तराना इन संगीत प्रकारों के जनक माने जाते हैं। खुसरो ने दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन औलिया को अपना गुरु माना था। हजरत खुसरो से कहते थे कि तुम आवाम से यानी कि आम आदमियों से जुड़ो, आवाम को जोड़ो। खुसरो तुम एक ऐसे बोली ईजाद करो जो हिंदियों और गैर हिंदियों दोनों की दबा पे चले। तो अपने पीर की ये बात सुनकर खुसरो जो एक तुर्क मुसलमान की औलाद थे और जिनके नाना हिंद के वासी थे, उन्होंने हिंदवी दबा को जाना जिसे आज हम उर्दू के नाम से जानते हैं। अमीर खुसरो अपने पीर से इस कदर बेइंतहा मोहब्बत करते थे। उन्हें अपने पीर से इस कदर इश्क था कि निजामुद्दीन औलिया के लिए उन्होंने ना जाने कितनी बार अपनी कलम चलाई। उन्होंने अपने पीर के लिए जो कुछ भी लिखा उस हर एक अल्फाज में उनकी रूह बसती है। आमिर खुसरो एक गीत में कहते हैं, छाप तिलक सब छीन ली रे मोसे नैना मिलाई गए। पीर निजाम की बस एक नज़र ने मेरा पूरा अस्तित्व मानो छीन लिया। Yeah.
फिर निजामुद्दीन निजामुद्दीन और के रंग में आखिर तक रंगे थे। देश विदेश में ढूंढे फिरियो तो जब I'm not afraid to die.
बहुत ज़्यादा।